ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश वॉइस का थर्ड डे। ठीक है, लास्ट टू क्लासेस में हम लोगों ने टेंस रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज होती है उसका एक्टिव पैसिव करना सीख लिए। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हमारा नो पैसिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सारा सेंटेंसेज ऐसा होगा जिसका आप पैसिव ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन भी जानेंगे। चलिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, सी गोज टू स्कूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि सर इसका पैसिव बनाइए, तो क्या कर देंगे, आपको रटा हुआ रूल होता है कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे करना होता है, तो आप लिख देंगे कि स्कूल इज, ठीक है, क्या बोल देंगे आप, स्कूल इज गोन बाई हर। ठीक है, ऐसा आप बना देंगे। ठीक है, बट यहां पे आप रॉन्ग हो गए सर, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा ही नहीं। क्लियर, क्यों नहीं बनेगा उस चीज पे बात करते हैं। ठीक है, तो पैसिव हम लोग पहले बनाते किस चीज का है उस चीज को समझेंगे। ठीक है, लास्ट टू क्लासेज में आप लोगों ने सीखा, लेकिन ये आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया कि हम लोग कौन से वर्ब का पैसिव बना रहे थे। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि ये वर्ब होता क्या, तो वर्ब एक वर्ड एक्शन रेफर कर रहा होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये दोनों को समझेंगे। जब वर्ब टॉपिक आपको बताया जा रहा था तो ये बहुत ही आराम से बताया गया, तो वहां पर बोला भी गया था कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको वॉइसेज में काम आने वाला है। ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि एक वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा, ठीक है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब हुआ जिसके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट लिखना यहां पे क्या हुआ, गलत हुआ। अब समझेंगे कि सर ऑब्जेक्ट कब होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में लिखा हुआ वर्ड वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो जो वर्ब होगा ना, रिप्लाई किस चीज का होगा सर, व्हाट का। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसके उस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप समझ गए ना, ठीक है, तो आप कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस ये दो पॉइंट को आप समझ जाइए। ठीक है, रिप्लाई किस चीज का होना चाहिए, व्हाट एंड हुम का। ठीक है, अगर व्हाट एंड हुम का रिप्लाई है तो वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट एंड हुम का रिप्लाई नहीं है, रिप्लाई किस चीज का है, वेयर का, हाउ का, या वेयर का, व्हेन का, तो वो हमारे सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो इनट्रांजिटिव होता है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, जैसे लिखा गया सी गोज टू स्कूल, तो आपसे पूछा जाएगा ना सी गोज वेयर, क्या बोला जाएगा सर, सी गोज वेयर। ये जो टू स्कूल है ना, ये किस चीज का रिप्लाई है, ये रिप्लाई है वेयर का। ठीक है, तो जब ये वेयर का रिप्लाई हुआ, इसका मतलब ये जो वर्ब लिखा हुआ है गो, ये अपने आप में एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो यहाँ पे आप इसका पैसिव ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अगर बोला गया कि आई वेंट टू पटना, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना, ही इज सिटिंग इन द क्लास, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, नहीं बनने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी वर्ब यूज किया जा रहा है ना, वर्ब का जो रिप्लाई है वो वेयर का है, व्हेन का है, हाउ का। इसका मतलब जो वर्ड सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है जो। ठीक है, चलिए, तो जैसे सेकंड एग्जांपल आपके पास लिखा गया कि रोहन इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, बताइए इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा कि नहीं। ठीक है, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। रोहन इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, बताइए क्या बनेगा कि नहीं पैसिव। ठीक है, रोहन इज राइटिंग व्हाट पूछा जाएगा ना, रोहन इज राइटिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ एन एप्लीकेशन, तो एन एप्लीकेशन को उठाकर आप सेंटेंस के पहले कीजिएगा, क्या बन जाएगा, एन एप्लीकेशन। ठीक है, दिखा गया एन एप्लीकेशन इज, ठीक है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तो इजी लिखेंगे। फिर राइटिंग वर्ब का आई एन जी फॉर्म है ना, तो बी का आई एन जी फॉर्म क्या होता है सर, बी का आई एन जी फॉर्म होता है बीइंग। आपको बताया गया था कि पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वर्ब की बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का एडिशन। ठीक है ना, बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का एडिशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीइंग, बीइंग लिख दिए। राइट का कौन सा फॉर्म सर, रिटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन वाई रोहन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेंटेंस का क्या था, नो पैसिव था। ठीक है, ऐसा अभी कभी भी गलती मत करिएगा कि लिख दीजिए स्कूल इज गोन बाई हर। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस सेंटेंस का नो पैसिव होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके गाइस, ठीक है, नो पैसिव। चलिए, तो आगे बनेगा, सीमा हैज आइडेंटिफाइड द थीफ, बताइए ये सेंटेंस का पैसिव बनेगा कि नहीं। सीमा हैज आइडेंटिफाइड व्हाट पूछा जाएगा आपसे, सीमा हैज आइडेंटिफाइड व्हाट, तो जब ये व्हाट का रिप्लाई हुआ मतलब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, रिप्लाई किस चीज का होना चाहिए, व्हाट का होना चाहिए या हुम का होना चाहिए, ये दोनों का रिप्लाई अगर सेंटेंस में वर्ब दे रहा है ना, तो वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, कैसे आप ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, द थीप, क्या बन गया, द थीप, थीप के अकॉर्डिंग तो हैज ही लिखेंगे ना, द थीप हैज बीन। ठीक है, द थीप हैड बीन, आइडेंटिफाई का थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड ही होता है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाइड,
ठीक है, बाई सीमा, बाई सीमा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग कैसे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का फंक्शन होता है, कि ऑब्जेक्ट अगर यूज हो रहा है तो वो हमारा ट्रांजिटिव है, उसी का हम लोग पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5 to 6 क्लास होगी आपकी वॉइसेस की, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो ये भी बोल दे कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस भी देख लीजिए, ठीक है ना। आप सिस्टमेटिक अगर 5 to 6 डेज तक मेरे साथ बने रह जाते हैं, और सारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाला हुआ है, इतना काम आप कर लेते हैं ना, ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज की गारंटी, ठीक है, और एक अच्छे लेवल तक क्लियर होगा। बस आप कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ देखना होगा क्लास को, टोटल 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट होने वाले टॉपिक, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा गया ईशानी बुकअप एट 7 AM, ईशानी बुकअप एट 7, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनेगा, ईशानी बुकअप व्हेन, क्या पूछा गया, व्हेन का रिप्लाई है एट 7 AM, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसका मतलब इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। अगर हम बोले ना वर्ड्स फ्लाई, देखिए सिंपल सेंटेंस है, वर्ड्स फ्लाई, यहां पे ही फुल स्टॉप कर दें, बताइए सेंटेंस का पैसिव बना पाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सेंटेंस के कैसे पैसिव बनेगा। अगर इसमें कुछ लिखना भी चाहे तो क्या लिखेंगे, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बताइए इन द स्काई सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आपसे पूछा जाएगा वर्ड्स फ्लाई वेयर, क्या पूछा जाएगा सर, वेयर, वेयर का रिप्लाई अपने आप में एक प्लेस को बताता है, प्लेस अपने आप में होता है एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना, समझ गए, इसलिए एडवर्ब कभी, एडवर्ब तो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एक और सिंपल पॉइंट, बहुत बार इस चीज को बोले कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझ गया तो बहुत इफेक्टिव है ये, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब कभी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे लिखा गया माई फ्रेंड वेंट होम, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनेगा, माई फ्रेंड वेंट होम, आपसे पूछा जाएगा माई फ्रेंड वेंट वेयर, वेयर का रिप्लाई है ना होम, होम किस चीज का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या लिखेंगे, नो पैसिव, क्लियर। चलिए आगे लिखा गया जोया आंसर्ड ब्यूटीफुली, जोया आंसर्ड ब्यूटीफुली, आप ऑब्जर्व कीजिएगा क्या बोला जाएगा, जोया आंसर्ड हाउ, क्या पूछा जाएगा, हाउ, ये हाउ का रिप्लाई है, तो हाउ का रिप्लाई अपने आप में होता है इनफैक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, तीन पॉइंट आप लोग समझ गए, हाउ का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है सर, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वेयर का रिप्लाई जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन का जो रिप्लाई होता है, व्हेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्लियर। तीनों का तीनों जब एडवर्ब है, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्लियर। चलिए तो इस सेंटेंस का जोया आंसर्ड ब्यूटीफुली पैसिव बनेगा, नो पैसिव, ठीक है। अगर हम बोले सी सिंग्स स्वीटली, स्वीटली, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप पूछेंगे सी सिंग्स हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या हो जाएगा, ये स्वीटली, तो स्वीटली एडवर्ब होगा तो सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, क्लियर। चलिए लेकिन अगर हम बोले ना सी प्लेज अ गिटार, ऑब्जर्व कीजिएगा, सी प्लेज अ गिटार, आपसे पूछा जाएगा सी प्लेज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ अ गिटार, तो व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, इसका मतलब इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, अ गिटार इज प्लेड बाई हर, कोई दिक्कत। चलिए आगे लिखा गया आई हैव सर्व्ड द गेस्ट, I have served the guest, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनाइए, I have served what, ये सेंटेंस का बनेगा ना, I have served what, तो what का रिप्लाई द गेस्ट हुआ, गेस्ट को उठाकर सेंटेंस के पहले कीजिए, द गेस्ट, ठीक है, गेस्ट लिखा गया, गेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हैव ही लिखेंगे, प्लूरल है ना, क्या लिखा जाएगा सर, हैव, ठीक है, और बी का कौन सा फॉर्म, हैज एंड हैव के साथ आपको बी का कोई फॉर्म लिखना है, क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, हैव बीन, सर्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, सर्व्ड, ठीक है ना, सर्व्ड, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, तो बाई मी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव आरुष रिजेंबल्स हिज फादर, अब बताइए रिजेंबल वर्ड के बारे में आपको पता है, किसी से रिजेंबल करने का मतलब क्या,
किसी का चेहरा, किसी का फेस किसी से मैच करना, किसी का फेस अपने पापा से मैच करता है, किसी का फेस अपनी माँ से मैच करता है, दैट इज कॉल्ड रिजेंबल। और रिजेंबल, अच्छा बताइए, रिजेंबल कोई एक्शन है? तो अगर हम बोले ना कि आपका फेस अपने पापा से मैच करता है, तो इसमें कोई एक्शन है क्या? कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट। जैसे अगर हम बोले ना सी इज अ डॉक्टर, बताइए यहाँ पे कोई एक्शन है? सिंपल सेंटेंस एकदम, सी इज अ डॉक्टर, बताइए यहाँ पे कोई एक्शन है? बिल्कुल कोई एक्शन नहीं है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? एक स्टेट बताया जा रहा है कि वो एक डॉक्टर है। यू आर अ स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे कोई एक्शन है? कोई भी एक्शन नहीं है सर, आपके स्टेट को बताया जा रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि पैसिव हम लोग एक्शन वर्ब का तो बना रहे हैं, और एक्शन वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब का बना रहे हैं। और सेकंड कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो कभी कभी सेंटेंस में आपको नॉन एक्शन वर्ब लिखा हुआ मिलता है। कौन सा वर्ब? नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब हम ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं जहां पे एक्शन नहीं होती है, वहां पे या तो स्टेट बताया जा रहा होता है या तो पोजेशन की बात की जा रही होती है। स्टेटिव वर्ब, स्टेट बताया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। एक्शन, देखिए अगर आप वर्ब का टॉपिक पढ़े हुए हो, है ना, तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। वहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग बात किए थे डायनेमिक वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, स्टैटिक वर्ब क्या होता है ना। चलिए तो स्टैटिक वर्ब की बात करें, स्टैटिक वर्ब क्या बताएगा? स्टेट बताएगा, किसी के अवस्था को बताएगा, ठीक है। तो बी इज एम आर, वाज वर, लुक, बिकम, रिजेंबल, ऐसा बहुत सारे वर्ब्स का लिस्ट बनाए थे हम लोग, जो कि क्या होता है? स्टैटिक वर्ब होता, ठीक है ना। चलिए पोजिशन की बात करें तो पोजिशन का मतलब होता है हिंदी में अधिकार किसी चीज पर, ठीक है। और अधिकार बताने के लिए हम लोग हैव, ऑन और बिलोंग का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले ना आई हैव अ विंटेज कार, क्या बोला गया? आई हैव अ विंटेज कार, यहां पे कोई एक्शन हो रहा है? ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई भी एक्शन नहीं है सर, बस एक पोजीशन बताया जा रहा है कि मेरे पास एक कार है, ठीक है। अगर बोला जाएगा ना यू हैव अ ह्यूज हाउस, आपके पास एक बड़ा सा घर है, ठीक है, बताइए यहां पे कोई एक्शन है? कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये सब जो वर्ब्स यहां पे यूज होता है वो होता है नॉन एक्शन वर्ब। और जब इसमें एक्शन ही नहीं हुआ, जब इसमें एक्शन ही नहीं हुआ तो ट्रांसफर कैसे होगा ऑब्जेक्ट पे? और जब एक्शन ही ट्रांसफर नहीं होगा तो इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ही आप नहीं कर सकते। मतलब इस सेंटेंस का भी क्या बनेगा सर? नो पैसिव। समझ रहे हैं ना? दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? एक तो इनट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे, ठीक है, और आपको समझ में आया कि इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका नॉन एक्शन वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब जो कि एक स्टेट को बता रहा और दूसरा पोजीशन को बता रहा है, इस सेंटेंस का भी हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे। पैसिव हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स का बनाएंगे, उसमें भी ट्रांजिटिव का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया दे हैड, लिख दिए, देखिए अभी इस सेंटेंस की बात कर रहे थे, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनेगा? दे हैड अ ह्यूज हाउस, बताइए एक पोजीशन है ना, कोई एक्शन है यहाँ पे क्या? जब एक्शन ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो पैसिव। देखिए एक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, वर्ब में बताया गया था। एक्शन मतलब क्या? कि जिसमें आपको कोई भी एक्शन, जैसे अगर हम बोले ड्रिंक, ईट, प्ले, ठीक है, डांस, ये सब क्या है? एक एक्शन है। ये सब काम करने में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपको एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वर्ब, ठीक है। डायनेमिक एक्शन बताया गया था, डायनेमिक का मतलब ही होता है एनर्जेटिक। आप लोग पढ़े हैं डायनेमिक, है ना, डायनेमो पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में। चलिए फिर लिखा गया मानसी बिकेम अ डॉक्टर, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा? मानसी बिकेम अ डॉक्टर। विकेम क्या है? एक स्टेट है। क्या है? एक स्टेट है। जब ये स्टेट है तो कौन सा वर्ब हो गया? स्टैटिव वर्ब। जब स्टैटिव वर्ब है इसका मतलब इसका नो पैसिव का कॉन्सेप्ट आया। समझ गए ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको? दिस इज अ लेंथी नोवेल, ठीक है, बताइए। बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा गया आपके सामने, सेंटेंस का पैसिव बनेगा कि नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। एक सिंपल सा बात हो रहा है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ नोवेल, तो ये सब का पैसिव थोड़ी ना बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? जो आप समझ गए, क्योंकि इसमें एक स्टैटिक वर्ब की बात की जा रही है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग? नो पैसिव। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ गया ना कि पैसिव कहाँ? हमेशा आप हर एक सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपके सामने सेंटेंस आएगा तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका पैसिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए अब देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट आते हैं। एक थर्ड और कॉन्सेप्ट आप होता है जिसमें पैसिव नहीं बनाया जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। देखिए नाम बोलिएगा एक बार, सबको बोलना है रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब देखिए इस रिफ्लेक्सिव वर्ब की बात करें तो रिफ्लेक्सिव वर्ब होता क्या है, इनफैक्ट उस चीज को समझेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वर्ब होता क्या है इस चीज को समझते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है सर, रिफ्लेक्शन। क्या बोला जा रहा है?
रिफ्लेक्शन। जैसे अगर हम बोले ना कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता, क्लियर, कोई भी सेंटेंस में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का क्या होता है, डूअर होता है। डूअर क्या करता है, कोई एक्शन को परफॉर्म करता है। डूअर क्या करता है, कोई एक्शन को परफॉर्म करता है। ये एक्शन ट्रांसफॉर्म होकर किस पे चला जाता है, ये एक्शन ट्रांसफॉर्म होकर ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। जैसे अगर हम बोले यू हैव टेकन अ कप ऑफ कॉफी, आपसे पूछा जाएगा यू हैव टेकन व्हाट, आपसे पूछा जाएगा यू हैव टेकन व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ अ कप ऑफ कॉफी। आप एक्शन कर रहे हैं कॉफी पीने का, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है सर, इफेक्ट पड़ रहा है उस कप ऑफ कॉफी पे। कॉफी फिनिश होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फिनिश होगा। इसका मतलब आप जो एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे हो रहा, समझ रहे हैं ना। चलिए, लेकिन ऐसा कभी कभी हो कि जब हम कोई एक्शन करें और उसका रिफ्लेक्शन खुद पर ही आ जाए, आप रिफ्लेक्शन तो समझते हैं ना, फिजिक्स में पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहां पे है रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या होगा, जब आप कोई एक्शन करेंगे ना तो उस एक्शन का इफेक्ट आगे ऑब्जेक्ट पर ना जाकर आप पर खुद आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे लिखा गया ही चीट्स हिमसेल्फ। देखिए ही चीट्स हिमसेल्फ, ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ही चीट्स हिमसेल्फ। तो ये हिमसेल्फ इनफैक्ट है कौन, हिमसेल्फ है कौन, ही है ना, चीट करने जी नहीं बोलते हैं कि ये चीटिंग करोगे तो, ठीक है, किस दूसरे का क्या जाएगा, अपना ही ना लॉस है, ऐसा टीचर बोलते हैं ना क्लास में आपको, चीटिंग करोगे तो चीटिंग करेंगे आप तो रिफ्लेक्शन इस एक्शन का किस पे आएगा, खुद पे आएगा, लॉस आपको होगा सर, सामने वाले को लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा है रिफ्लेक्सिव वर्ब। जब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब हुआ इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो हिमसेल्फ लिखा हुआ वर्ड है ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इस सेंटेंस का भी, नो पैसिव, क्या बोलेंगे, नो पैसिव, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपके पास दिया जाए, जैसे अगर हम बोले सी हर्ट्स, देखिए समझिएगा, सी हर्ट्स हरसेल्फ, देखिए हर सेल्फ हिमसेल्फ आप लोग जानते हैं ना, आई का माई सेल्फ होगा, बी का और सेल्फ हो जाएगा, अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, है ना, ये सब क्या होता है रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा गया सी हर्ट्स हर सेल्फ, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनेगा, इनफैक्ट ये हरसेल्फ है कौन, तो हरसेल्फ सी ही तो है, इसी ने एक्शन स्टार्ट किया और रिफ्लेक्शन इस एक्शन का वो खुद को ही हर्ट कर रही, मतलब एक्शन ट्रांसफॉर्म होकर आगे जा रहा है कि पीछे ही आ रहा, बताइए ये जो हर्ट करने का एक्शन है ये आगे ना जाकर पीछे सी पर ही ना आ रहा, ठीक है ना। इसका मतलब इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर क्या लिखेंगे, नो पैसिव, क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कि नो पैसिव का कॉन्सेप्ट हम तीन पॉइंट पे काम करते हैं, एक हमारा होता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, तो आप पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इनट्रांजिटिव मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए चीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट था नॉन एक्शन वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब मतलब जहां पे एक्शन नहीं होती, एक स्टेट या यू नो पोजीशन की बात की जा रही होती है। और तीसरा पॉइंट बताया गया आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब अगर सेंटेंस में यूज हो तो उस सेंटेंस का भी पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा, फिर से एक बार, वॉइस होती क्या है, एक वर्ब की फॉर्म, ये क्या करती है, ये बताती, ठीक है, कि वॉइस इज अ वर्ब, वर्ब फॉर्म, ठीक है, विच इंडिकेट्स द सब्जेक्ट इज इधर डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन। डूअर है किसी सेंटेंस का, सब्जेक्ट जो यूज हुआ वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा, क्लियर। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल फिर से बोल दें, यू ईट अ पाइन एप्पल, यू ईट अ पाइन एप्पल, एक्शन किसने किया, एक्शन आपने किया, खाने का काम कौन कर रहा है, यू, क्या खाया जा रहा है, अ पाइन एप्पल, इफेक्ट किस पे पड़ेगा सर, अ पाइन एप्पल फिनिश होगा ना, वो पाइन एप्पल फिनिश होगा, मतलब इस सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बोले अ पाइन एप्पल इज ईटन बाई यू, यहां पे एक्शन क्या किया जा रहा है, बताइए खाने का ही काम किया जा रहा है, लेकिन फोकस यहां पे बर्कडन इंपॉर्टेंट है, खाने के काम पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो था सेंटेंस का, ये जो अ पाइन ऑफ एप्पल है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। चलिए यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नो पैसिव का कॉन्सेप्ट, ओके। चलिए तो एक नजर देखिए हम लोग अब लेंथी सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। अब आपको और ध्यान से
और कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस होने वाला है। ओके, तो एक नजर देखिए फिर प्रोसीड करते हैं। ओके, ये सब ध्यान देंगे, ठीक है। दो दो क्लाउज को कनेक्ट करके एक लेंथी सेंटेंस बनाया गया, ठीक है ना। एक सेंटेंस में आपको दो दो क्लाउज यहाँ पे दिखाई देगा बेसिकली, ठीक है, उस चीज पे आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा गया, दे सेड दैट द न्यूज वॉज ट्रू। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस सेंटेंस को देखेंगे, सर वॉइस में नरेशन कहाँ चले गए, ठीक है। नरेशन में ऐसे यू लिखते हैं हम लोग सेंटेंस, ठीक है ना, आप समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये नरेशन नहीं है सर, ठीक है। ये एक दो सेंटेंस से मिलकर, एक मतलब दो क्लाउज को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया, ठीक है। अब बोला गया इस सेंटेंस का आप पैसिव बनाइए, ठीक है। कॉम्पिटेटिव लेवल पे पूछा जाता है ये सब ज्यादातर, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा दे सेड व्हाट, क्या पूछा जाएगा, दे सेड व्हाट। देखिए आप हर एक जगह पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, रिप्लाई देखेंगे वर्ब का, ठीक है। दे सेड व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई ये पूरा का पूरा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। बहुत आराम से इस चीज को बता रहे हैं, दे सेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ दैट द न्यूज वॉज ट्रू। ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेंटेंस मतलब पूरा क्लाउज जो है व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। ये चीज समझे, इसका मतलब हमको इसको उठाकर पूरा आगे करना होगा, लेकिन थोड़ा पेचीदा नहीं लग रहा है, इतना लेंदी कैसे आप, यू नो दैट द न्यूज वॉज ट्रू, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसे बोला जाता है इट, ठीक है। जहां पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, इट एक डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से इसे जानते हैं। जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है हम क्रिएट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इसके लिए क्या कर दिया गया, इट यूज किया गया, ठीक है। अब बताइए सेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट बार बार कि पैसिव बनाने की आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ब की बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का एडिशन। तो बी फॉर्म होता क्या है, इनफैक्ट फर्स्ट फॉर्म में देखे तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन एंड आई एन जी फॉर्म बींग, इतना ही होता है ना। चलिए तो सेकेंड फॉर्म होने की वजह से सेकेंड फॉर्म पास्ट में हम लोग वाज वर यूज करेंगे। तो बताइए इट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज या वर, बिल्कुल ठीक बोले, इज इट के साथ क्या लिखेंगे, वाज, इट वाज, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सॉरी थर्ड फॉर्म, तो सेड से का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड ही रह जाएगा ना। तो इट वाज सेड, किसने बोला, दे ने, वाई देम, यहां तक कोई दिक्कत, क्या बोला गया, दैट। अब बताइए दैट यहां तक ले दी, द न्यूज वॉज ट्रू, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा। देखिए जब दो क्लाउज कनेक्ट किया हुआ ना, तो आपको देखना होगा कि क्या दोनों सेंटेंस का पैसिव बन सकता है या एक ही का बनेगा। देखिए क्या हो सकता है, दोनों में से दोनों का बन सकता है या एक का भी बन सकता है, ठीक है। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखिए आप साथ साथ बनाइए, बिल्कुल सीखते चले जाएंगे आप, ठीक है। इट वॉज सेड बाय देम दैट द न्यूज वॉज ट्रू, दैट द न्यूज वॉज ट्रू, ठीक है। इस सेंटेंस का क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्शन की बात की नहीं जा रही, यहाँ पे बोला जा रहा है द न्यूज वॉज ट्रू, एक स्टैटिव वर्ब की बात की जा रही है, समझ गए यहाँ तक ना। चलिए आगे लिखा गया आपका, राहुल फाउंड दैट द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। राहुल फाउंड दैट द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, आपसे पूछा जाएगा राहुल फाउंड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा किस चीज का रिप्लाई हो गया, व्हाट का, ठीक है। तो इसको हम उठा कर नहीं सकते, इस वजह से क्या लिख दिया गया यहाँ पे, इट, ठीक है। वाज फाउंड है तो क्या लिखेंगे, वाज फाउंड का सेकंड फॉर्म है ना, इस वजह से लिखा गया वाज, इट वाज फाउंड का थर्ड फॉर्म, तो फाउंड ही रह जाएगा, ठीक है। फाइंड का थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, ठीक है। फाइंड किसने, बाई राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल, ठीक है। दैट की जगह पे दैट लिखिए। अब बताइए द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, इस सेंटेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्टैटिव वर्ब की बात की जा रही है, क्या लिख देंगे, दैट द हाउस वॉज, ठीक है ना, द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ गए, ठीक है। दोनों सेंटेंस दो दो क्लाउज कनेक्ट किया जाएगा, तो कैसे आप पैसिव बनाना है जो। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, बताइएगा इसमें आप लोग, सारिका हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प रोहन, ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें दो सेंटेंस छिपा हुआ है। अगर हम ऐसे बोले, इसको छिप दें, देखिए कैसे छिपाया जा रहा है, इसको हाइड कर लें, सेंटेंस पढ़ेंगे आप, सारिका हैज हेल्प्ड रोहन, ठीक है, विल हेल्प तक छिपा लिया गया, तो सारिका हैज हेल्प्ड रोहन, या बनेगा सारिका विल हेल्प रोहन। इनफैक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, रोहन ही है, दोनों स्थिति में, ठीक है, दोनों कंडीशन में देखा जाए तो क्या है, रोहन ही है, रोहन को सेंटेंस के पहले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन के अकॉर्डिंग लिखेंगे हैज, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखा जाएगा, बीन, हैज बीन हेल्प्ड, हो गया ना, रोहन हैज बीन हेल्प्ड, एंड यूज करेंगे, क्लियर, एंड यूज किया गया, फिर बिल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बिल ही लिखा जाएगा ना, और बिल का जब विल हेल्प,
रोहन का भी पैसिव बनेगा तो विल का विल भी हो जाएगा, ऐसा आपको बताया गया था ना। क्या लिखेंगे? विल बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। ठीक है, किसने किया? बाई सारिका। ठीक है ना, तो सेंटेंस हमारा बना रोहन हैज बीन हेल्प्ड एंड विल बी हेल्प्ड बाई सारिका। क्लियर, एक ही डूअर है और एक ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, बस एक्शन दो दो हो रहा था। ठीक है, तो कैसे दोनों एक्शन को अरेंज किया गया आप देख लीजिए। ठीक है, दोनों सेंटेंस का पैसिव बना दिया गया। क्लियर, चलिए आगे लिखा गया सी केम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको बताया गया स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्म हमको लोग कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव, पैसिव एक्टिव, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। हम लोग स्ट्रक्चर तो चेंज कर रहे हैं बट इसके मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए लिखा गया सी केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स। हाँ, तो आपको बता दें कि सबसे पहले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये नहीं लिखा हुआ होगा कि एक्टिव से पैसिव ही करना है, आपको लिखा हुआ रहेगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है ना, अब देखिए ट्रांसफॉर्म करने की बात आई तो ट्रांसफॉर्म आपको एक्टिव से पैसिव करने के लिए बोला जा सकता है या पैसिव से एक्टिव दोनों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने का पता होना चाहिए ना, आप आइडेंटिफाई कर पाए कि दिया हुआ जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव में लिखा हुआ है या पैसिव में लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ना। चलिए, तो आगे लिखा गया सी केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स। बताइए सी केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, बताइए। तो सी केम का पैसिव बनेगा क्या? सी केम वेयर, वेयर का रिप्लाई है ना, मतलब केम एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, जब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव हम लोग नहीं बनाएंगे, जब पैसिव नहीं बनेगा तो इसको एज इट इज लिख दीजिए सी केम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड है तो एंड लिख दिए। डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा सी डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, ऐसी बनेगा ना, तो आपसे पूछा जाएगा सी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, सी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ? द बुक्स। क्लियर, अब इस द बुक्स को उठाकर सेंटेंस के पहले करेंगे क्या बन जाएगा? द बुक्स। अब बताइए बुक्स प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो बुक्स प्लूरल है सर, जब ये प्लूरल है तो वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वर यूज करेंगे। ठीक है, द बुक्स वर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटेड, सी केम एंड द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एजेंट लिखे तब भी सही है, नहीं लिखे तब भी सही है। फिर लिखा गया द टीचर आइडेंटिफाइड द बॉय हु केम लेट। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, द टीचर आइडेंटिफाइड हुम, आप ऑब्जर्व कीजिए व्हाट का रिप्लाई अब नहीं है, क्या किस चीज का रिप्लाई है? हुम का रिप्लाई, तो हुम का रिप्लाई भी एक पर्सन होता है। ठीक है, ये भी सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये हु केम लेट की लिखा हुआ ये क्या है सर? तो इसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकुलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम बोले ना क्या बोले, साहिल हु इज द सन ऑफ मिस्टर शर्मा, ऐसे सेंटेंस बोला गया, साहिल हु इज द सन ऑफ मिस्टर शर्मा, तो बताइए साहिल तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना, हु इज द सन ऑफ मिस्टर शर्मा क्या है? ये जो इतना लंबा सेंटेंस लिखा गया ना, बेसिकली ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। किस चीज का एडिशनल इन्फॉर्मेशन? उस साहिल का एडिशनल, ठीक है, साहिल का, साहिल को और इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया जा रहा है कि वो मिस्टर शर्मा का बेटा है। क्लियर, इसी को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कहीं भी लिखेंगे ना, चाहे सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाए, तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ ही लिखा जाएगा, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हो जाएगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर से साथ में ही लिखा जाएगा, समझ रहे हैं? तो सेंटेंस लिखा गया, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए, क्या बन जाएगा? द बॉय, द बॉय तो लिख दिए, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? हु केम लेट, तो इसको भी साथ में लिखना होगा आपको, द बॉय Who came late? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब बताइए आइडेंटिफाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ ना, आइडेंटिफाइड जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्या यूज करेंगे? वाज एंड वर। बॉय के अकॉर्डिंग क्या होगा सर? वाज होगा या वर होगा? बॉयज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? बॉय के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? वाज, कोई दिक्कत नहीं है। द बॉय हु केम लेट वाज आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिख दिया गया आइडेंटिफाइड, किसने किया? टीचर ने, बाय द टीचर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। लिखा गया रिया सेड दैट सी कुड अटेंड द पार्टी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिया सेड व्हाट, रिया सेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई ये पूरा का पूरा क्लाउज तैयार हो रहा है ना, That she could attend the party. इसका मतलब जब ये पूरा क्लाउज है तो इसको हम उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा इट, ठीक है ना, क्या लिखेंगे सर? इट,
कोई दिक्कत नहीं है. इट, अब देखिए सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वाज. इट वाज, फिर थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, इट वाज सेड बाय रिया. ठीक है ना, इट वाज सेड बाय रिया. क्या बोला गया, दैट, दैट लिख दिए. अब बताइए सी कुड अटेंड द पार्टी, ये सेंटेंस का पैसिव बनेगा. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर बिल्कुल बनेगा, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सी कुड अटेंड व्हाट, सी कुड अटेंड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, द पार्टी. देखिए हर एक जगह पे सेम कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट को आपको समझना है सर, व्हाट का रिप्लाई और हुम का रिप्लाई आप समझ जाइए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैसिव में फंस जाएं. क्लियर, सी कुड नॉट अटेंड, सॉरी सी कुड अटेंड द पार्टी, तो द पार्टी को उठाकर सेंटेंस पहले लिखेंगे, द पार्टी कुड, ठीक है ना, कुड मॉडल है ना, तो क्या करेंगे, कुड भी आपको बताया गया था मॉडल्स का कॉन्सेप्ट, कैन है तो कैन भी, मे है तो मे भी, विल भी, शैल भी, माइट भी, है ना, सब बताया गया. तो क्या लिखेंगे, द पार्टी कुड बी अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अटेंडेड. ठीक है ना, किसने किया, बाय रिया. अब बताइए हुआ क्या ना, यहाँ पे दो दो जगह पे बाय रिया लिखा गया. ठीक है, क्या ये लिखना सही है, बिल्कुल सही नहीं है, इस चीज को बात करेंगे. बताइए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही डूअर है, ये दो दो एक्शन परफॉर्म कर रही है. ठीक है ना, तो हमें एजेंट दिखाने के लिए एक ही जरूरत है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पे बाय रिया लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में भी लिख देंगे तो वो भी सही है. सेंटेंस बनेगा, इट वॉज सेड दैट रिया, कोई दिक्कत है आपको. ठीक है, यहां से रिया, जब एक ही डूअर हो ना, सब सेंटेंस में एक ही डूअर हो और वो दो दो एक्शन परफॉर्म कर रहा और दोनों का आप पैसिव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो डूअर एक ही है तो एजेंट भी एक ही होगा. क्लियर, जब आप लास्ट में बाई के साथ जो एजेंट लिखेंगे वो एक ही बार लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे. ठीक है, समझ गए. चलिए आगे लिखा गया, देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, रेखा सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी यस्टरडे. अब आपको यहाँ से एक पॉइंट समझना है कि जब भी आप, ज़्यादातर कोशिश आप कीजिए ना ज़्यादातर सेंटेंसेज में कि जो मतलब डूअर होगा ना उसको आप सेंटेंस के लास्ट में ही लिखिए. जैसे इसका बनाएंगे, रेखा सेलिब्रेटेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, द एनिवर्सरी, तो द एनिवर्सरी लिख दिए. ठीक है, द एनिवर्सरी, ठीक है, हो गया. सेलिब्रेटेड वर्ब का पास्ट फॉर्म हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, द एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग वाज, द एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड. ठीक है ना, सेलिब्रेटेड. अब बताइए व्हेन, व्हेन कर ये यस्टरडे पहले लिखेंगे आप लोग, यस्टरडे किसने, बाय रेखा, जो भी है जो भी डूअर है उसको लिख देंगे. क्लियर, तो ये सेंटेंस का पैसिव बनाना सीख गए. जब लेंदी लेंदी दो दो सेंटेंस कंबाइन किया जाता है तो उसका पैसिव हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि आप दोनों सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कभी पहले वाला का होता है बाद वाले का नहीं होता, कभी बाद वाले का होता है पहले वाले का नहीं होता, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा. ठीक है, अगर वो पैसिव में दिया हुआ है तो आप उसको एक्टिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए. ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि दो सेंटेंस कंबाइन किया हुआ है, एक एक्टिव लिखा हुआ रहेगा और एक पैसिव लिखा हुआ रहेगा, तो आप क्या करेंगे, एक्टिव वाले को पैसिव करेंगे, पैसिव वाले को एक्टिव करेंगे. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. यहां तक आप लोगों को समझ में आया, चलिए तो एक नजर देखिए और सेंटेंसेज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और लेंथी सेंटेंस. ओके ओके, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, आप लोग साथ साथ सॉल्व कीजिए. लिखा गया द बॉय हैज पेंटेड द हाउस कलरफुल, आपसे पूछा जाएगा द बॉय हैज पेंटेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई है द हाउस हुआ. इसको उठाकर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह क्या बनेगा, द हाउस, हाउस के अकॉर्डिंग हैज. ठीक है, हैज के साथ अगर आपको बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे सर, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, द हाउस हैज बीन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंटेड. ठीक है, कैसे पेंट किया गया, कलरफुल, तो लिखिए कलरफुल, द हाउस हैज बीन पेंटेड कलरफुल, किसने पेंट किया है, इस बॉय ने, बाय द बॉय. समझ गए यहां तक, ये सेंटेंस का पैसिव बन गया ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए दे ऑफर्ड देम अ बुक, ऐसा लिखा गया, दे ऑफर्ड देम अ बुक. बताइए दे ऑफर्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, अ बुक. दे ऑफर्ड हुम, हुम का रिप्लाई क्या हुआ, देम. बताइए तो सेंटेंस में व्हाट का भी रिप्लाई आ रहा और हुम का भी रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है. आपको बताया गया था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो जब दो दो ऑब्जेक्ट है सर तब क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वो वर्ब कौन सा क्या होता है, डाया ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ठीक है, डाई ट्रांजिटिव होता है वो. ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इस वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे, टू ऑब्जेक्ट.
क्लियर। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाएगा। जो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, दे ऑफर्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, अ बुक, ठीक है। या अगर हम बोले कि दे ऑफर्ड हुम, तो हुम का रिप्लाई क्या हुआ, दे, कुछ भी बनाइए। चलिए सबसे पहले इससे ही बनाते हैं। तो देम का जब देम ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे, ठीक है ना, दे बन जाएगा। ये दे वो नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देम को हटाकर हर लिख दे, कहीं ना आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दे ऑफर्ड हर ऐसे लिखा गया, बताइए आप क्या करेंगे, इस हर को उठाकर यहाँ पे तो सी लिखा जाएगा, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, वॉज, सी वॉज ऑफर्ड, ठीक है, सी वॉज ऑफर्ड वॉट, अ बुक, सी वॉज ऑफर्ड अ बुक, ठीक है, बाई देम, क्लियर। ऐसे बना सकते हैं आप, इसको ऑब्जेक्ट मान लिए तो इसको उठाकर पहले किया गया, तो सी वॉज ऑफर्ड अ बुक बाई देम। अगर बोला जाएगा कि सर हम इसे ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो अ बुक को करें, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, अ बुक, क्लियर, अ बुक, बुक के अकॉर्डिंग भी वॉज ही लिखा जाएगा, अ बुक वॉज ऑफर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, जब आप हर लिखेंगे ना, ऑफर्ड हर, तो आपको बीच में एक प्रीपोजिशन लगाना होगा, ऑफर्ड टू हर, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशन करना होगा आपको, किसका, प्रीपोजिशन टू का। यही ध्यान देना है आपको कि जब दूसरे तरीके से आप बनाएंगे तो ऐसे लिखना होगा, अ बुक वॉज ऑफर्ड टू हर बाई देम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों तरीका सीख गया, जब आप डाई ट्रांजिटिव आएगा तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईशानी रिस्पेक्ट्स देम हु वर्क हार्ड, ईशानी रिस्पेक्ट्स देम हु वर्क हार्ड, आपसे पूछा जाएगा ईशानी रिस्पेक्ट्स हुम, तो हुम का रिप्लाई हुआ देम, देम के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हु वर्क हार्ड, तो इसको जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर, दे, सब्जेक्ट इक्वल्स दे लिखेंगे, और दे का कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, हु वर्क हार्ड, यही दिया हुआ ना। तो आपको अभी बताया गया था कि जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, और वो हमेशा उसके साथ में ही लिखा जाएगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा जाएगा दे हु वर्क हार्ड, ठीक है। रिस्पेक्ट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ ना, रिस्पेक्ट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, तो हमें बी का भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मतलब इज एम आर में कुछ लिखना होगा, बताइए दे सब्जेक्ट है ना, तो दे के अकॉर्डिंग इज या आर क्या लिखेंगे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे सर, आर, ठीक है। आर के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो आर रिस्पेक्टेड बाई ईशानी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा गया सी स्माइल्ड एंड answered the questions, बताइए पैसिव क्या होगा इसका, सी smiled एंड answered the question, आपसे बोला जाएगा सी smiled, a smile आपको पता है स्माइल करना एक इनट्रांजिटिव एक्शन है या ट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सी smiled what, what का रिप्लाई नहीं ना हो सकता है, whom का रिप्लाई भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, जब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका हम लोग नो पैसिव करेंगे, इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, क्लियर, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसका पैसिव बनेगा ना आगे वाले का, सी आंसर्ड, ऐसे पूछा जाएगा सी आंसर्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, द क्वेश्चन, द क्वेश्चंस को उठाकर पहले कीजिए, द क्वेश्चंस, ठीक है, द क्वेश्चंस, अब बताइए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पास्ट है ना, ये पास्ट है सेकेंड फॉर्म, तो वॉज एंड वर, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, वॉज या वर, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे सर, वर, तो द क्वेश्चंस वर आंसर्ड, ठीक है ना, answered by her, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा suggested that he would raise his voice, he would raise his voice, आगे बताइए नेहा suggested what, तो what का रिप्लाई क्या हुआ, ये पूरा का पूरा, समझ रहे हैं, जब ऐसा सिचुएशन तैयार हो जाए तो यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या, it, तो क्या लिखा जाएगा, suggested verb का सेकेंड फॉर्म है ना, बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना साथ में, ठीक है, ने सजेस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब बी का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब वाज एंड वर, इट के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाएगा, वाज, इट वाज, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, फिर थर्ड फॉर्म, तो सजेस्ट का थर्ड फॉर्म सजेस्टेड ही होता है, ठीक है ना, इट वाज सजेस्टेड बाई नेहा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इट वाज सजेस्टेड बाई नेहा हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट है तो दैट ही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। He would raise his voice, आपसे पूछा जाएगा He would raise what, तो what का रिप्लाई क्या हुआ, His voice, तो his voice लिखिए, His voice, ठीक है ना, would be लिखा जाएगा, ठीक है ना, raise का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, raised, raise का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, raised by नेहा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या,
देखिए लेंथी सेंटेंस है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या व्हाट का रिप्लाई होता है, वेयर का रिप्लाई होता है, ठीक है। ये दो चीज आप समझते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेंथी सेंटेंस ऐसा होता है कि डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्लियर। चलिए आगे लिखा गया, आयन डज द वर्क एंड हेल्प्स द पुअर। बताइए दो एक्शन है, एक काम का करना और दूसरा हेल्प करना। तो आपसे पूछा जाएगा आयन डज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, द वर्क। तो पहले इसका पैसिव बनाइए, द वर्क, द वर्क इज डन बाई आयन। यहां तक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंड लिखा हुआ तो एंड लिख दीजिए, हेल्प्स द हर सिस्टर, आयन हेल्प्स हर सिस्टर। आपसे पूछा जाएगा आयन हेल्प्स होम, तो होम का रिप्लाई हुआ हर सिस्टर, तो हर सिस्टर को उठाकर यहां पे लिखेंगे हर सिस्टर, हम क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, ठीक है ना। हर सिस्टर इज हेल्प्ड, फिर से आयन ही ने काम किया है, तो क्या लिखेंगे, बाई आयन। फिर से सेम कॉन्सेप्ट आ गया सर, कि दो दो बार बाई आयन, बाई आयन लिखना सही है, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। जब एजेंट एक ही हो, काम करने वाला डूअर एक ही हो, एक्शन जब दो दो कर रहा है ना, तो आप जब उसका डूअर मतलब लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे तो एक बार ही लिखेंगे, वो भी सेंटेंस के लास्ट में। यहाँ पे बीच में बाई आयन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, जो समझ गया ना, क्योंकि दोनों काम तो आयन ही कर रहा है ना, तो बार बार एक ही चीज का लिखना सुपर फ्लस हो जाता है, क्लियर। द वर्क इज डन एंड हर सिस्टर इज हेल्प्ड बाई आयन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट एक सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, आई ऑफर him a vintage car, I offered what, तो what का reply क्या हुआ, a vintage car, कोई दिक्कत नहीं है। I offered whom, whom का reply क्या हुआ, him, इसका मतलब एक whom का reply आ रहा है, एक what का reply आ रहा है, यही आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा concept हो गया, diatransitive का concept है, दो दो object है sentence में, तो बता दिया, अभी बताया गया, क्या करेंगे आप लोग, जल्दी बताइए इसको क्या करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ही को अब सब्जेक्ट बना दीजिए या अब विंटेज कार को सब्जेक्ट बना दीजिए, आप दोनों लोग सही हो गए, ठीक है ना, किसी को भी बना दीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि ही को बनाइए, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज ऑफर्ड, ही वॉज ऑफर्ड हो गया, ही वॉज ऑफर्ड, ठीक है ना, क्या ऑफर्ड क्या गया, अ विंटेज कार, अ विंटेज कार, ठीक है ना, बाई किसने किया, आई ने, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी, क्या बनाया, ही वॉज ऑफर्ड अ विंटेज कार बाई मी। अब मान लेते हैं कि आप विंटेज कार को सब्जेक्ट बनाना हो, चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे, एक ही से लिख दीजिए हम, अ विंटेज कार मान लेते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसको उठाकर पहले करते हैं ना, चलिए इसी में ऐड कर देते हैं, क्लियर, चलिए अलग कर दें, हो सकता है दिक्कत हो जाए आपको, चलिए इसको उठाकर हम पहले करते हैं, क्या बोलेंगे सर, अ विंटेज कार, अ विंटेज कार, ठीक है, ऑफर्ड है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी वॉज ही लिखा जाएगा, सेकेंड फॉर्म है, तो अ विंटेज कार वॉज ऑफर्ड, तो ऑफर्ड लिखेंगे, ठीक है, ऑफर्ड लिखा गया, फिर लिखा जाएगा किसको किया गया है, हिम को, तो क्या लिखेंगे, ऑफर्ड टू हिम, ठीक है ना, बाई मी, बाई मी, दोनों तरीके से बना दिए। डाई ट्रांजिटिव जब होगा मतलब दो दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी उठाकर बना सकते हैं पैसिव, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी देखकर पैसिव बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, बेसिकली नो पैसिव कॉन्सेप्ट, किस किस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, आपको वो कॉन्सेप्ट बताया। लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे जब टेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, 12 स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 का पैसिव नहीं बनाया जाता था, क्यों नहीं बनाया गया था वो आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए तो यहां तक देखिए, हम लोग 7-8 एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको करना क्या है, आपको बताना है कि ये इनट्रांजिटिव है, यहाँ पे पैसिव नहीं बनेगा, जिसका पैसिव बनेगा उसको बनाएंगे, बस 5-10 मिनट में आपका क्लास फिनिश होने वाला है, एक नजर देखिए, प्रोसीड करते हैं, ये कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आपको बताना है इस सेंटेंस का पैसिव बनने वाला कि नहीं बनने वाला, ठीक है ना, आप पैसिव ट्रांसफॉर्म करेंगे या नो पैसिव का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस आपका लिखा गया, सी हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, ठीक है, बताइए पैसिव और नो पैसिव, बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रीवियस क्लास अटेंड किए हैं वो बोल रहे सर नो पैसिव है, ठीक है, क्यों, सी हैज बीन, ठीक है ना, कौन सा टेंस का सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, आपको बताया गया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी एक्शन हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या फ्यूचर का हो, इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसका पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे तो एक बीन तो ऑलरेडी बी का फॉर्म है, और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से आपको इसकी वजह से बींग लिखना भी पड़ेगा, इसका मतलब बीन एंड बींग एक ही वर्ब का दो दो फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक ही सेंटेंस में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना, इसका मतलब इस सेंटेंस का क्या होगा, नो पैसिव,
ठीक है, आपको दिखा दें क्या बनाकर, चलिए बनाकर दिखाई देते हैं, मे बी किसी को कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, सी हैज बीन प्लेइंग चेस, आपसे पूछा जाएगा सी हैज बीन प्लेइंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई चेस हुआ, चलिए चेस से बनाइए, चेस has been लिख दिए, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो बी का आई एन जी फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग, ठीक है ना, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है, बाई हर, बनाने का पैसिव तो बना देंगे आप, बट वो गलत हो गया ना, क्योंकि बी एंड बीन दो दो एक साथ फॉर्म हो गया, इस वजह से आप क्या बोलेंगे, नो पैसिव। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया, ठीक है ना, चलिए फिर लिखा गया दे हैव एन एक्सपेंसिव मशीन, ठीक है ना, यू कैन ट्रांसफॉर्म इट पैसिव और नॉट, बताइए, दे हैव एन एक्सपेंसिव मशीन, तो बताइए हैव यहाँ पे कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है क्या, जब एक्शन नहीं है क्या स्टैट है, स्टैटिव वर्ब की बात की जा रही है, दे हैव एन एक्सपेंसिव मशीन, बस एक स्टेट की बात की जा रही है, उसके पास एक है, एक पोजीशन की बात की जा रही है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब हम स्टैटिव वर्ब की बात करते हैं या पोजीशन एक्सप्रेस करने वाले वर्ब की बात करते हैं तो उसका पैसिव नहीं ना बना सकते, पैसिव आप उसी वर्ब फॉर्म का करते हैं ट्रांसफॉर्म जिसमें एक्शन होता है, एक्शन होता इसका मतलब वो एक्शन ट्रांसफॉर्म होकर किस पे जाता है, ऑब्जेक्ट पे जाता है, ठीक है, चलिए तो इसका मतलब इस सेंटेंस का भी क्या बनेगा, नो पैसिव, क्यों नहीं बनेगा समझ गए आप लोग, ठीक है ना, चलिए आगे लिखा गया he is reading a novel, बताइए, अच्छा देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री को समझेंगे ना, they have what, what का reply an expensive machine, तो बोलेंगे reply what का जरूर है ये, reply what का जरूर है ये, बताइए, लेकिन यहाँ पे ये object नहीं, यहाँ पे ये क्या है सर, compliment है, ठीक है, object and compliment में difference समझ में आया, आपको समझ में आया, जैसे अगर हम बोले ना you are a student, simple sentence में बोलते हैं तो यू आर वॉट, तो वॉट का रिप्लाई स्टूडेंट है कौन, यू ही तो है, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह पे स्टूडेंट लिखा गया है वो किसके इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन को, आप सब्जेक्ट हो, आपके इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला जो वर्ड होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्लियर, चलिए तो जब ऑब्जेक्ट होगा तभी ना बनाएंगे हम पैसिव, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तभी होगा जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, आपको बार बार बोल रहे हैं एक्शन वर्ब, और एक्शन में भी ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्म होना चाहिए, क्लियर, चलिए आगे समझते हैं, ही इज रीडिंग अ नोवेल, ही इज रीडिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, अ नोवेल, और नोवेल को उठाकर सेंटेंस के पहले करेंगे, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और नोवेल के अकॉर्डिंग क्या लिखे सर, इज, अब देखिए एक्शन कंटीन्यूअस है ना, तो आपको बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग, अ नोवेल इज बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड, कोई दिक्कत नहीं है, रेड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा सर, हिम, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सी लुक्स हैप्पी, सी लुक्स हैप्पी, बताइए पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, पैसिव और नो पैसिव, जल्दी बताइए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नो पैसिव, ठीक है, क्यों नहीं पैसिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे एक स्टेट की बात की जा रही है, सी लुक्स हैप्पी, उसका स्टेट है हैप्पी होना, कोई एक्शन नहीं है, क्लियर, समझ रहे हैं, चलिए ऐसे भी लुक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली अगर आप इसको एक्शन वर्ब के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अगर लिखेंगे ना ही इज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, ही इज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, तो यहाँ पे लुक एक्शन वर्ब है, लेकिन एक्शन में भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ही इज लुकिंग वेयर, वेयर ही पूछा जाएगा ना, तो वेयर का आप रिप्लाई देंगे आउटसाइड द विंडो, क्लियर, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, मतलब इसका भी पैसिव नहीं बने, यहाँ पे तो ये स्टैटिव वर्ब है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, दे मस्ट अटेंड द मीटिंग, बताइए सेंटेंस का पैसिव बनेगा कि नहीं, पैसिव और नो पैसिव, जल्दी बताइए, दे मस्ट अटेंड व्हाट, देखिए बहुत अच्छे बोल रहे हैं, दे मस्ट अटेंड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, द मीटिंग, द मीटिंग को उठाकर सेंटेंस के पहले करेंगे, द मीटिंग, मस्ट अपने आप पे एक मॉडल एक्जुलरी है, आपको बताया गया कोई मॉडल एक्जुलरी का यूज किया जाएगा, जैसे कैन है, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, शुड बी, व्हाटएवर, कुछ भी रहेगा, क्लियर, तो क्या लिखेंगे, द मीटिंग मस्ट बी, हो गया ना, मस्ट बी, अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, अटेंडेड, अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, अटेंडेड, किसने अटेंड किया, दे ने, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, बाय देम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, चलिए आगे लिखा गया वी आर गोइंग ऑन अ टूर, पैसिव और नो पैसिव, बताइए आपको समझना होगा सेंटेंस को, पैसिव बनेगा कि नहीं, वी आर गोइंग ऑन अ टूर, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा सर पैसिव, क्यों, क्योंकि वी आर गोइंग
वेयर, ये जब वेयर का रिप्लाई है मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे गोइंग हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, और गो ऐसे भी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि आप गो के बाद जो भी बोलेंगे वो एक जगह होगा, एक एडवर्ब प्लेस का बात करेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे ही इज गोइंग टू पटना, तो ही इज गोइंग वेयर, वेयर का रिप्लाई होगा पटना, समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे भी सेंटेंस का क्या बनेगा, नो पैसिव, क्योंकि सेंटेंस क्या है इंट्रांजिटिव। आपको स्टार्टिंग में ही बता गया था यू गो टू स्कूल, ठीक है, आप भूल जाइए, इस चीज का पैसिव नहीं बनेगा, क्लियर, समझ रहे हैं। बहुत बच्चे बना रहे थे इस चीज का, हमें पता है, ठीक है। चलिए आगे लिखा गया सी विल बी सॉल्विंग मैथ्स, सी विल बी सॉल्विंग मैथ्स, बताइए क्या करेंगे, सी विल बी सॉल्विंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स, बताइए विल, तो विल भी लिखेंगे, विल बी आईएनजी फॉर्म है ना, तो क्या लिखेंगे, बीइंग सॉल्वड, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉल्वड बाय हर, बिल्कुल सही लिखे है ना, कोई दिक्कत नजर आ रहा क्या। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने बी एंड बीइंग दो दो वर्ब का बी फॉर्म लिख दिया है, ऐसे कैसे कर दिया आप, इसका मतलब इस सेंटेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। आपको बताया गया है लास्ट क्लास में कौन कौन से टेंस का नहीं बनता, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्शन है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्शन में एक बी का फॉर्म ऑलरेडी होता है, जब आप कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से बींग लगाएंगे तो वी एंड बींग दोनों यूज हो जाएगा, इसका वजह से इसका पैसे भी हम लोग नहीं बनाते हैं। आपको याद है ना 12 सेंटेंस में हम लोग 4 सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें दो दो बी का फॉर्म आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही बिकेम अ केमिस्ट, ही बिकेम अ केमिस्ट, बताइए पैसिव और नो पैसिव। He became, became क्या है, एक स्टैटिव वर्ब है, जब स्टैटिव वर्ब है यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, क्या बोलेंगे, नो पैसिव, ठीक है ना। He became what, what का रिप्लाई जरूर है लेकिन यहाँ पे स्टैटिव वर्ब है, ठीक है ना। See, he is a doctor, he is a chemist, you are a teacher, you are a student, I am a teacher, whatever, इस टाइप का कुछ भी सेंटेंस रहेगा इसका नो पैसिव होगा, स्टैटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे डिसीव देमसेल्फ, डिसीव का मतलब पता है आपको, चीट करना है ना, दे डिसीव देमसेल्फ, देमसेल्फ अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव वर्ब। अभी आपको बताया गया कि रिफ्लेक्सिव वर्ब मतलब एक्शन जब आप करेंगे एक्शन ट्रांसफॉर्म होकर ऑब्जेक्ट पर ना जाकर खुद सब्जेक्ट पर ही आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग पढ़े। आई एंजॉय माई सेल्फ, एंजॉय किया किसने, खुद मैंने ही तो किया, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब दोनों सेंटेंस का क्या बनेगा, नो पैसिव, नो पैसिव, ठीक है, समझ गया ना। तो आज हमारा क्या हो गया, आज के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आज हम लोगों ने डे 3 तक, ठीक है ना, वॉइसेज का डे 3 तक कंप्लीट किया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और इन तीन क्लास में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। कौन सा सेंटेंस का सर, असर्टिव सेंटेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल ही लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपका सारा कुछ कंप्लीट कर लिया गया, ओके, ठीक है। आप तीनों क्लास को बहुत आराम से अटेंड कीजिए, पेशेंसली अटेंड कीजिए, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगर आप सीखना चाहते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को बहुत ही पेशेंसली काइंडली, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स डाला हुआ, अपने नोटबुक में नोट बनाइए, इतना काम करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्लियर। चलिए इतना काम कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या क्या कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डे 4 पे पहुंचेंगे, और डे 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना, ठीक है। एक क्लास में इसको फिनिश किया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपैरेटिव सेंटेंस पे पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आई होप आप लोग सब काम करेंगे जो बोला गया आपको, ठीक है। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर and thank you so much.